हो बैठी चित चैन, राम रूप को देख के चकाचौंध भय नैन। अंबर से भू पर गिरी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत उत्सव झुलस उठी कामाग्नि, बस में रहे न बहुत ही शानदार। नमस्कार दी, आपका परिचय? वैसे प्रकृति पुरुष के परिचय की क्या आवश्यकता? तुम पृथ्वी के परम तेजस्वी सुंदर पुरुष हो और मैं त्रिलोक सुंदरी नारी। हे त्रिलोक सुंदरी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे दोनों लोक ही छान मारे हैं, परंतु अपनी अनुरूप सुंदर सचीला और वीर पुरुष आज ही देखा है। इस पृथ्वी पर न तुम जैसा कोई पुरुष है और न मुझ जैसी नारी। सिद्धार्थ ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए रचा है, इसलिए प्रतिभाव रखकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तय इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। मेरा नाम कामवली भी है। राजकुमारी शूर्पणखा? हाँ, लंकेश्वर त्रिलोक मुझे रावण का नाम तो तुमने सुना ही होगा। मैं ऋषि पुलस्त्य के पौत्र, महात्मा विश्वा के पुत्र, महाराज महाबली विश्व विजयी तेजस्वी रावण मेरे भाई हैं। महाबली कुंभकर्ण और विभीषण भी मेरे भाई हैं। इस विशाल जनस्थान पर जिनका पूर्ण अधिकार है तो पराक्रमी योद्धा खर और दूषण भी मेरे भाई हैं। देवताओं का कोषाध्यक्ष कुबेर भी मेरा भाई है। प्रसन्नता ही परिचय बात है। परंतु तुम्हारा परिचय नहीं मिला। तपस्वी के वेश में चटा धारण किए और धनुष बाण से सुशोभित तुम साधु भी दिखते हो और योद्धा भी। वास्तव में तुम हो कौन? देवी, देवताओं के समान पराक्रम वाले और परम धर्मात्मा महाराज दशरथ का नाम तो सुना होगा। मैं उन्हीं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र हूँ, राम। राम? राम से किस काम की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक आए हैं? प्रथम दशरथ ही मेरा मन तुम्हें आसक्त हो गया है। तुम्हारी रूप यौवन से आकर्षित होकर खींची चली आई हूँ। पति की भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करो। इस पृथ्वी पर तुम जैसा पुरुष नहीं और मुझ जैसी नारी नहीं, हमारा संजोग अजोड़ होगा। आदरणीय असुर बाला, हे भद्रे, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने आई हो? नहीं सी पुरुष, मैं आत्मसमर्पण करने आई हूँ। तुम्हारी सुंदर सजीली रूप में मुझे अपने सपनों का कंठ मिल गया है, उससे गंधर्व विवाह रचाओ। मैं विवाहित हूँ, ये मेरी परिणीता धर्मपत्नी सीता है। क्या रखा इस सूखी सड़ी काट की पुत्री सी क्षुद्र मानव स्त्री में? इसे तो मैं भी खा जाऊंगी। उसके बाद तुम दंडक बंधु राजा बनना और मैं तुम्हारी प्राण प्यारी रानी। हाँ, यदि तुम्हें इस पर दया आती हो तो ये भी पड़ी रहेगी हमारी दासी बनकर।
हमारे मध्य प्रदेश में एक नहीं अनेक विवाह रचा सकते हैं। किंतु मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूँ, और फिर तुम जैसी स्त्री साउथ के साथ कैसे सहन करेगी? भाभी जी, मैं वंश से आपकी रसोई के लिए सूखी सूखी लकड़ियां ले आया। ये कौन है तुम्हारी जैसा सुंदर और सजीला? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, वन में तो अकेला ही है। तो ठीक है, मैं इसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। तुम स्वच्छंद विचरण करने वाली नारी ठहरी, तुम्हें मनमानी करने से कौन रोक सकता है? प्रयत्न करके देखो। अकेले हो? कहिए आपको क्या कष्ट है? कष्ट नहीं, मैं तुम्हारे सुख और आनंद का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। अभी तो आप भैया से कुछ याचना कर रही थी। उस भागी ने मेरी बात का मोल ही नहीं जाना, कहता है मेरी स्त्री साथ है। छोड़ो उसे, मैं हर तरह तुम्हारे योग्य हूँ, तुम मेरे योग्य हो। मेरा परिणय प्रस्ताव स्वीकार करो। स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों चली है? क्या तुम्हारी दृष्टि में स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं? हे गजकामिनी, कहां तो तुम स्वामिनी बनने के सपने देख रही थी। मैं तो अपने बड़े भैया श्री रामचंद्र जी का दास हूं। मेरी संगनी बनकर भैया भाभी की सेवकाई करते करते थक जाओगी। रानी बनते बनते दासी क्यों बनना चाहती हूँ? जाओ, वहीं जाकर अपनी मनोकामना की याचना करो। मैं यहाँ याचना करने नहीं आई। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रताप को ठुकरा रहे हो केवल एक शुद्ध स्त्री के कारण। इसका तुम्हें नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारे सामने इसे अभी खा जाऊंगी। काल्या तो वाजी को